फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो गई है और काफ़ी खस्ता बनी है। आप इसे ट्रैवल के दौरान भी आप ले जा सकते हैं और घर में भी खा सकते हैं। ये टोकरी बनी हुई है तो आप भी खाइए, इंजॉय करिए। अगर ये मैंने लिया है चने की दाल, जो मैंने इसे रात भर भिगो के रख दिया था, तो अब इसको हम रेडी करते हैं। इसको आप एक दो बार अच्छे से साफ कर लें और फिर इसके बाद हम इसे जार में डालेंगे। इसमें मैं काट देती हूँ हरी मिर्च, ये मैंने एक पीस लिया है अदरक, तो इसे भी छोटा छोटा टुकड़ा काट के डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक स्पून जीरा, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून धनिया पाउडर, एक स्पून हल्दी पाउडर, एक स्पून के लगभग सौंफ डाल देना है। फ्रेंड्स, अब इसे हम हल्का सा इसे पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। हमने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए काफ़ी बारीक पीसना है। और इसे मैं अब एक थाली लेती हूँ और इसमें सारी दाल डाल देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे और पहले हम जितनी दाल है हमारी, पहले हमें आटा उतने में ही गूंथना है, फिर इसके बाद जो कम पड़ेगा फिर आप आटा ऐड करिएगा और पानी से फिर गूंथ लीजिएगा। और इसी के साथ हमें नमक भी ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। देखिए अभी दाल थोड़ा सा गीली है, इसलिए हम आटा ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसमें हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप आटा ले लीजिए और पहले दाल पूरी मिक्स कर लीजिए आटे में, फिर अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी इसमें ऐड करके आटे को अच्छे से मसल लीजिए और आटा रेडी हो जाएगा। ये देखिए आपका आटा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देते हैं, इसे हम ढक देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पूड़ी बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी लोई लेंगे और थोड़ा सा आटा सख्त रहेगा। अगर हम पराठा बनाएंगे तो आटा से रोटी बनती है, वैसे आप आटा बना सकते हैं। अगर आपको पूड़ी बनानी है तो आप छोटी लोई लेंगे और प्लस थोड़ा सा पूड़ी का आटा जो होता है सख्त करना है। अगर आप इसका पराठा बनाना चाहते हैं तो आटा थोड़ा आप जैसे रोटी बनाते हैं वैसे गूंथना है। तो ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, मैंने छोटी छोटी लोई बना ली है। अब रेडी करते हैं पूड़ी को, चेक कर लेते हैं तेल, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं पूड़ी। इसे पलट देना है। अब सारी पूड़ी हम ऐसे छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी हमारी पूड़ी खस्ता और हल्का ब्राउन बनी है और ये काफ़ी। और ये देखिए ऐसी सारी पूड़ी को हम तल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो गई है और काफ़ी खस्ता बनी है। आप इसे ट्रैवल के दौरान भी आप ले जा सकते हैं और घर में भी खा सकते हैं। अभी खाइए, इंजॉय करिए। और प्लीज़ मेरा चैनल है किरण यादव सुपर डांस में, आपका वहाँ बहुत बहुत स्वागत है। देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो कुकिंग की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।